हे व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हमारा टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वन बाय वन एपिसोड के थ्रू सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको समझाऊंगा, तो आज हमारा पहला एपिसोड है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, और थोड़ी वीडियो अगर बड़ी हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप सबसे, बट किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझाना ही मेरा मेन मोटो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। आपको वीडियो के बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे आपको कुछ स्लाइड्स आपके स्क्रीन पे आती रहेंगी, तो आप प्लीज़ उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। और मैंने ऐसा इसलिए किया कि मेरे व्यूअर्स को इजीली आसानी पड़ सके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो हमारा पहला कंटेंट क्या है, जिस बेस पर मैं आपको कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करूँगा वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो अभी। तो जो मेरा बेस है डिफाइन करने का वो है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर टाइप्स ऑफ कार्ब, गुड कार्ब, बैड कार्ब क्या होता है, सोर्सेज ऑफ कार्ब, कार्ब हम कहाँ से कार्ब ले सकते हैं, एंड सेकेंड लास्ट कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझते हैं कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी को जहाँ से एनर्जी मिलती है किसी भी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए, वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमको बहुत सारे फूड से मिलता है जो कि मैं लेटर ऑन में डिस्कस करूँगा आपको। और एक डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट डिफाइन इटसेल्फ एज इट इज अ कंपोनेंट ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ इसके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर, हमारा जो कि सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारा आता है दो, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब दोनों में डिफ्रेंशिएट मैंने किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्लाइड आ रहा होगा। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एक्चुअल में सिंपल कार्ब होता क्या। बेसिकली सिंपल कार्ब हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए नोन ऑल्सो नोन एज अ एम्प्टी कैलोरी कार्ब, मतलब जिसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। कहा जाता है कि सिंपल कार्ब इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, मतलब ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसको लोग यूज़ करते हैं। आपने कई यों सुना होगा कि वर्कआउट के पहले आधे घंटे पहले 45 मिनट पहले आप एक बनाना खा लो, बिकॉज बनाना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सिंपल कार्ब, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट कहा जाता है कि सिंपल कार्ब जो होता है वो एम्प्टी कैलोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो जब भी आप सिंपल कार्ब को अपने डाइट में ऐड करते हो तो ये इंसुलिन बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है। अब इंसुलिन स्पाइक क्या होता है कि जिस भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, जिससे कि हमारे फैट बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सिंपल कार्ब के हमारे कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे आ रहा होगा स्लाइड, जैसे कि रॉ शुगर हो गया हमारा, ब्राउन शुगर हो गया, सिरप हो गया, हाई फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब सारे जो भी हैं सिंपल कार्ब के सोर्स हैं। मैं और भी फूड के तौर पर आपको बता दूँ तो हो सकता है स्ट्राइस, वाइट ब्रेड, हमारे ये सब सिंपल कार्ब के सोर्सेज हैं। और प्लीज़ आप इससे इससे दूर ही रहिए अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है। सेकंड हमारा आता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब, मतलब इसको गुड सोर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ हाई इन न्यूट्रिशन वैल्यू, ये एम्प्टी कैलोरी नहीं होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। इट इज़ अ फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। सो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द कार्ब विच स्लोली डाइजेस्ट इन द बॉडी, विच रिटेन्स इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब जो हमारे बॉडी को बहुत देर तक एनर्जी रखे, फुल रखे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब हेल्प्स टू रिड्यूस योर एपेटाइट, मतलब जिनको क्रेविंग की प्रॉब्लम है, जो क्रेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको हेल्प करता है उनके क्रेविंग को रिड्यूस करने में, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग, ये डाइजेस्ट होने में इसको समय लगता है। आपने इसीलिए सुना होगा बहुत बार कि द पर्सन हु वॉन्ट टू फैट लॉस, तो बहुत लोग उनको रेकमेंड करते हैं कि यू हैव टू गो टू टेक अ ओट मील, आप ओट मील लीजिए, बिकॉज ओट्स क्या करता है, इट इज़ अ सिंपल सॉरी कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्ब, फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सो वो लॉन्ग लास्टिंग हमारा एनर्जी देता है और आपके स्टमक को फुल रखेगा। और जब स्टमक को फुल रखेगा तो सीधी सी बात है कि आप कम खाओगे, कम क्रेविंग करोगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स कार्ब पे, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सिंपल कार्ब से स्विच हो करके कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ आइए, और बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए आपको गोल को अचीव करना।
तो ठीक है, अब हमारा गुड कार्ब भी एक तरीके से हम समझ ही चुके हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैं तब भी बता देता हूँ कि गुड कार्ब में हमारा क्या आता है। आपकी स्क्रीन पर स्लाइड आ रही होगी। गुड कार्ब में हम कह सकते हैं होल ग्रेन लाइक होल व्हीट, ब्राउन राइस, मैंने आपको बताया। पल्सेस एंड लेग्यूम्स भी कुछ आते हैं जो कि हमारे गुड कार्ब में आते हैं, और नट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गया, सोयाबीन, पीज, लेंटिल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट और कर्ड। बट कौन से, जिसका हमने अगर लो फैट हमने किया है। लो फैट कैसे बनाना है, आप दूध बॉयल करते हैं, मिल्क बॉयल करते हैं, उसके मलाई को उतार दें, वो लो फैट मिल्क हो जाएगा। अब हम बैड कार्ब की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा वाइट ब्रेड, मैंने आपको बताया वाइट फ्लोर मतलब मैदा, वाइट राइस, कोलाज एंड सोडाज, नूडल्स, पास्ता, पेस्ट्रीज वगैरह वगैरह, जो भी अपना शुगरी फूड होता है, दे और आर दी सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्ब। तो इनसे आप दूर रहिए, इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कार्ब, मतलब हमको कार्ब के सोर्स कहाँ से मिलेंगे। तो आपके स्क्रीन पर एक और आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड आ रही होंगे सोर्सेज ऑफ कार्ब में, मतलब कहने का कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब कहाँ से मिल सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फूड्स हैं, ब्राउन राइस हैं, ब्राउन ब्रेड है, ओट मील हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, यही सब हमारे गुड कार्ब के सोर्स हैं। और हमारे सिंपल कार्ब जो हो गए वो तो आप जान ही रहे हो, कोलाज हो गए, पेस्ट्री, नूडल्स, जो भी बाहर के चीप क्रैप फूड होते हैं वो हमारे सिंपल कार्ब में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट टॉपिक पे, वो है कन्जम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए। बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मुझे फैट लॉस करना है या मुझे मसल बिल्ड करना है तो मुझे कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके आ रहा होगा कन्जम्पशन ऑफ कार्ब का स्लाइड, उसमें मैंने लिख के रखा है कि फॉर मसल बिल्डिंग और फॉर फैट लॉस। अब देखिए, मसल बिल्डिंग के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, पहले तो सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्ब में हमको 4 कैलोरीज मिलती है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, मगर अगर मतलब अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको 4 कैलोरीज मिल गई। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, अगर आपको मसल बिल्ड करना है या वेट गेन करना है, तो आप अपने पर पाउंड बॉडी वेट में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हो, जो अमाउंट आता है डेट विल बी योर कैलोरी इनटेक। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप अपने पर पाउंड बॉडी वेट में 0.5 से मल्टीप्लाई करो, द अमाउंट यू विल गेट वही आपका कैलोरी इनटेक होगा फॉर योर फैट लॉस गोल। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं रफली एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा कैलोरी दिन भर का 2000 कैलोरी मैं कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, अब 2000 कैलोरी मैं कंज्यूम करता हूँ, अब मुझे मान लीजिए मसल बिल्ड करना है, मसल बिल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, उसमें अपने मील को इस तरीके से मैं एडजस्ट करूँगा कि मैं उसमें 500 कैलोरी अपने और ऐड कर दूँ, तो मेरा टोटल कैलोरी बन जाता है 2500। तो ये जो 2500 कैलोरीज है वो हमारे मसल बिल्डिंग को, गोल को अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा। अब यही अगर मुझे फैट लॉस करना है, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया एग्जांपल लिया कि मेरा 2000 कैलोरी है, तो उसमें अगर मैं 500 कैलोरी अपने डिडक्ट कर देता हूँ, मतलब मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूँ 1500 कैलोरी, तो वो हमारे फैट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगा अगर मैं अपने कैलोरीज को रिड्यूस कर देता हूँ। तो यही बेसिकली सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपको मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको पर पाउंड बॉडी वेट, और उसके लिए पर पाउंड बॉडी वेट आपको निकालने के लिए कैसे निकालना है, आप यू हैव टू चेक आउट योर BMR फर्स्ट। आप हाइट वेट के अकॉर्डिंगली अपना BMR चेक करें, काफ़ी सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, आप उससे BMR चेकआउट करिए, आपको उससे आपका रफली आपका कैलोरी इनटेक पता चल जाएगा, और आपके पर पाउंड बॉडी वेट में अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो यू विल गेट योर कैलोरी सरप्लस, वो आपका कैलोरी सरप्लस में हो जाएगा और आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। अब आपको फैट लॉस करना है, आप अपने पर पाउंड बॉडी वेट में 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका कैलोरी डेफिसिट में होगा, तो इससे आपको फैट लॉस होता है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो गाइस, मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की, अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी कन्फर्म लगती है या सही लगती है तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो या कोई सजेशन हो, तो मैं पक्का उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 2 पे, जो कि मेरी होगी फैट से रिलेटेड। तब तक के लिए प्लीज़ वर्कआउट करते रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, बाय बाय।